ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୀପା ମଲ୍ଲିକ 25ରୁ ଜାତୀୟ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର 80 ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଦୀପା ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀ 25ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14ତମ ଜାତୀୟ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର 80 ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ 13ଟି ରାଜ୍ୟରୁ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଇପି ଫଏଲ୍ ଓ ସାବ୍ରେ ବର୍ଗରେ ଖେଳାଯିବ। ଜାତୀୟ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର 80 ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ 12ଜଣିଆ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭି ରମେଶ ରାଓ, ରାଖଲ କୁମାର ସେଠୀ, ପବିତ୍ର ସାହୁ, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର, ଖଣ୍ଡାତ ରାୟ, ନିକୁ ପ୍ରଧାନ, ଶିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ, କରିମୁନ୍ ନିଶା, ସୁପ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାସ, ଜୁଲି ସାହୁ, ପୂଜାସିନୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜାତୀୟ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର 80 ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଦୀପା ମଲ୍ଲିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ओडिशा आने का मूल मकसद दो है। मेरे को बहुत खुशी है कि भुवनेश्वर में लगातार पैरा के नेशनल चैम्पियनशिप्स हो रहे हैं। पिछली बार मैं आई थी तो पैरा बैडमिंटन का नेशनल्स था। साथ ही मैंने मुलाकात की थी अच्युत सामंता दा जी से, किट्स यूनिवर्सिटी से, और आदरणीय चीफ मिनिस्टर सर से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर से, बिकॉज हम लोग पैरा स्पोर्ट्स को अब बढ़ाना चाहते हैं और उड़ीसा इतना बेहतर काम कर रहा है खेलों के क्षेत्र में। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है, एक्सेसिबल है। अब मैं इस बार आई हूँ तो हमारी व्हीलचेयर फेंसिंग की नेशनल चैम्पियनशिप होने जा रही है और उड़ीसा पैरालंपिक कमेटी की भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और फुल सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे मिल रहा है। तो 24th को नेशनल व्हीलचेयर फेंसिंग की ओपनिंग सेरेमनी भी है, तो मैं अपने खिलाड़ियों से मिलूंगी। प्रेसिडेंट हूँ मैं यहाँ की पैरालंपिक कमेटी की। तो यहाँ पर और कुछ स्पेशली जी और जो मेरा दूसरा एम है वो पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, क्योंकि अगर हम इंडिया में देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर दिव्यांग खेलों में है वो है एथलेटिक्स। और आज तक के जितने भी बड़े मेडल्स बहुत सारे आए हैं वो एथलेटिक्स से सबसे ज़्यादा। और एथलेटिक्स में क्या होता है, लगभग 2000 खिलाड़ी आते हैं जिसमें से 400-500 व्हीलचेयर खिलाड़ी होते हैं। तो जब इतने सारे खिलाड़ी दिव्यांगता में एकत्रित होते हैं तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए रहने की जगह, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी हमें बहुत ध्यान से अरेंजमेंट करना होता है। तो कल मेरी यहाँ पे मुलाकात है, किट्स में भी हमारी विजिट है, अरेंजमेंट्स हम देखेंगे। हमारे पैरा एथलेटिक्स के जो कोच साहब हैं द्रोणाचार्य सतपाल जी और पैरा एथलेटिक्स चेयरमैन हैं सत्यनारायण सर, वो लोग भी कल सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं। और तो ये दो काम रहेंगे, नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग एंड प्रेपरेशन ऑफ नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो उम्मीद है भुवनेश्वर में सभी लोग हमारा साथ देंगे और हम ये जो इवेंट है हम इसको बहुत अच्छे से कर पाए। थैंक यू। देखा जाओ कि आसंता दिन में खास कर दिव्यांग मानों पर ओडिशा माटी केते खुशी आणुची, दीपा मल्लिक कौन कौन स्टेप नौ क्या क्या भेटुंट आसंता दिन में यह कौ हिसाब से खेल होगुड़ाक देखा बाकी रहा। निकटने ओडिशा जातीय पारा बैडमिंटन प्रतियोगिता सफलतार सहित शेष होई जातीय ह्विल चेयर 80 चालना प्रतियोगिता को सफलतार सहित परिचालना करने नहीं ओडिशा सरकार और पारा स्पोर्ट्स आसोसिएशन ऑफ ओडिशा सफल हेबो बोली दीपा आशा रखिछन्ति। सूचनाजोग्य दीपा मल्लिक प्रथम भारतीय महिला पारा आथलेट भाव 2016 रियो पारा ओलंपिक्स रे सॉर्ट फुट रे रौप्य पदक हासिल करिथिले। एहा बाद दीपा विश्व पारा आथलेटिक प्रतियोगिता रे रौप्य, एशियो पारा क्रीड़ा रे तीनटी कांस्य और गोटे रौप्य पदक हासिल करिछन्ति।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ରାଜେଶ ଚୌହାନ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।